सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान मलिक और आप सब जुड़े हो इमी इम्फो से। तो फाइनली जो मैंने कहा था एक पेड ग्रुप लॉन्च हो रहा है, तो फाइनली वो ग्रुप रेडी है। आप कोई भी चाहो इस ग्रुप में ज्वाइन होने को तो आप इजीली हो सकते हो। तो इसके लिए मैं ये वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल के रखूँगा, आप मुझे कॉन्टेक्ट करो और आपको अगर ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो सकते हो। इस ग्रुप में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे थोड़ा सा मैं बता दूं वीडियो बनाने से पहले। इस ग्रुप में आपको डेस्कटॉप लैपटॉप मदरबोर्ड का बायोस स्कीमेटिक बोर्ड व्यू ग्राफिक्स कार्ड का बायोस बोर्ड व्यू स्कीमेटिक ये सारा मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप काम करते करते कभी भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप इस ग्रुप में टेस्ट कर सकते हो, आपको इंस्टेंट सोल्यूशन दिया जाएगा। और दूसरी बात, आप अगर प्रॉब्लम समझा नहीं पा रहे हो तो शॉर्ट वीडियो करके ग्रुप में डाल सकते हो, उसका भी इंस्टेंट सोल्यूशन दिया जाएगा। और ये ग्रुप मैं मेंटेन करूँगा और मेरे साथ एक ब्रदर कम फ्रेंड है वो भी मेंटेन करेगा, तो हम दोनों ही मेंटेन करेंगे। तो सारा सपोर्ट बेसिकली आपको मिलेगा और कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलेगा जो कि पॉसिबल नहीं है ग्रुप में ज्वाइन हुए हो। इसलिए ये नहीं कि चाइना मदरबोर्ड का आपको, चाइना कंपनी का, किसी चाइना प्रोडक्ट का आपको बोर्ड व्यू चाहिए, स्कीमेटिक चाहिए, ये सब नहीं होगा। जो मिलता है मार्केट में वो ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। ये एक गीगाबाइट का मदरबोर्ड है, देख सकते हो गीगाबाइट Z390UD। तो इसको मैंने उम्मीद छोड़ दिया था क्योंकि ये करीब 2-3 दिन से मेरे पास है और मैं लगभग थोड़ा थोड़ा करके देख रहा था इस बोर्ड को, तो इसका PCI रीसेट बन नहीं रहा था और बोर्ड तो ऑन है, चल रहा था, पर CPU हीट नहीं हो रहा। मतलब लगभग VRM सेक्शन जो है, ये VRM सेक्शन काम नहीं कर रहा है अभी। इसका मुझे, मेरे पास तो फिलहाल इसका बोर्ड व्यू या फिर स्कीमेटिक नहीं है और इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था काम करने में। तो इसका जो PCH है, ये इसका हीटिंग थोड़ा सा ज़्यादा था, तो मैं सोच रहा था कि मे भी PCH से ही प्रॉब्लम है। सब कुछ देखा तो फिर सोचा, इसको, इसका बोर्ड का जो ऑनर है, आज भी मुझसे बात हुआ था और मैंने सोचा था लास्ट टाइम एक बार इसको हल्का फुल्का रिप्लो करेंगे PCH को, फिर देखेंगे क्या होता है। तो थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ा सा इसको मतलब देख रहा था, अभी देखो एक छोटा सा बोर्ड में प्रॉब्लम मुझे मिला है तो वही मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर कभी भी ऐसा बोर्ड आए आपके पास तो सेम प्रॉब्लम के साथ आए तो अभी मैं जो दिखा रहा हूँ आप इजीली सॉल्व आउट कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं और क्या दिखाऊँ, इतना बड़ा बोर्ड है, पावर दिया। एक काम करता हूँ, मैं ऐसे रखूँगा तो भी मैं फ़ोन को घुमा लेता हूँ, होल्ड डाउन, तो ऐसा ही ठीक रहेगा क्योंकि इससे ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाऊँगा, कैमरा मेरा फ्रेम पर आ नहीं रहा है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बोर्ड है। फ़ोन पे आपका छोटा लग रहा है पर मेरा डेस्क पे ये जो मैट है ये पूरा मैट पे आ नहीं रहा है। तो ये देखो पावर दिया, अभी इसमें प्रॉब्लम यही था बस, तो छोटा सा एक प्रॉब्लम था क्योंकि बिना स्कीमेटिक के ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो अभी देखो ये हमने ट्रिगर दिया तो बोर्ड देखो LED बोर्ड का जो LED है नीचे में वो ऑन हो गया, बोर्ड भी हमारा ऑन हो गया, बोर्ड चल रहा है, डिबग कार्ड देख सकते हो, इसमें कोई रीसेट नहीं है, रीसेट बन नहीं रहा था बोर्ड में, तो PCI रीसेट बन नहीं रहा था। तो मैंने बहुत तरीके से देखा, इसको देखने के बाद हो नहीं रहा था तो सोचा आज मतलब थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाया इस पर, तो सर्चिंग करने के बाद, इंस्पेक्शन करने के बाद मुझे दिखा। क्या दिखा अभी बता रहा हूँ। तो देखो अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो CPU है ये थोड़ा सा भी हीट नहीं हो रहा है और अगर हम वोल्टेज लेवल पे जाए तो मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा इसको, एक सेकेंड, वोल्टेज लेवल पे जाए, मल्टीमीटर क्लियर है नहीं, एक शेडो आ रहा है मल्टीमीटर पे, एक सेकेंड, अब मल्टीमीटर क्लियर देख रहा है। अभी देखो एक मैंने ग्राउंड कर दिया यहाँ पर, एक साइड में मैं ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो इसका जो वोल्टेज है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, अब बोर्ड तो आ नहीं रहा है और भी थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, अब आ रहा है, मल्टीमीटर भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखो VRM सेक्शन में यहाँ पर जो CPU VTT बनना था यहाँ पर 1 वोल्ट करीब बनना था,
ये बन नहीं रहा है, मतलब इस सेक्शन काम नहीं कर रहा है, जिसके वजह से इसका प्रॉपर सीपीयू जो है हीट नहीं हो रहा है। और डिस्प्ले तो ऐसे कंडीशन में डिस्प्ले कभी भी बोर्ड में नहीं आएगा, तो मैंने बहुत ढूंढा था, मिला नहीं। पर आखिर में जाके एक जगह पे मैंने देखा, तो देखो मैं दिखाता हूँ क्या हो रहा है इसका। तो एक बार इसको ऑफ करता हूँ, बहुत बड़ा बोर्ड है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो शॉर्ट हो जाएगा बोर्ड मेरा। यहाँ पर बहुत आईसी वगैरह होता है नीचे में, तो ध्यान से हमें काम करना है, बी केयरफुली, क्योंकि ऐसे खुद के हाथों में अगर मदरबोर्ड डेड हो जाता है तो बहुत ख़राब लगता है। क्योंकि ये वीडियो बनाने के चक्कर में मेरे हाथ से बहुत सारा मदरबोर्ड डेड हुआ है, मतलब डेड पहले डेड था, ऐसे कंडीशन में आने के बाद रिपेयर किया, उसके बाद फिर से कुछ ना कुछ नीचे स्क्रू या फिर आईसी वगैरह चला आता है, और फिर वीडियो बनाने के चक्कर में वो बोर्ड ख़राब हो जाता है। तो वो वीडियो तो मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, क्योंकि चोर कभी मतलब अपने गलती मानता नहीं है, ऐसा ही है। तो मेरे हाथ से हुआ है, ऐसा वीडियो क्यों डालूँगा मैं, तो ऐसा ही होता है। तो अभी देखो इसका क्या हो रहा है बोर्ड में, अभी दिखा रहा हूँ। तो फिर से मल्टीमीटर को सेम कंडीशन पे रखना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ पे रखूँ, यहाँ पर कैमरा पे आ रहा है, हाँ यहाँ पर कैमरा पे आ रहा है, और ये पावर दिया, और कार्ड भी हमारा देखना चाहिए, थोड़ा सा दूर लगा दूँ कार्ड, एक सेकेंड यहाँ पर लगाऊँ, कार्ड दिखाने जाऊंगा। ये देखो कार्ड भी आ रहा है, मल्टीमीटर भी आ रहा है, बोर्ड भी आ रहा है, और ये मैंने दे दिया टिगर, ये मैंने दे दिया टिगर। अभी देखो बोर्ड में जो है 00 कोड है, डिस्प्ले नहीं आएगा इसका, ठीक है, और रिसेट बन नहीं रहा है। तो देखो प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के देखा कि तू फेडअप हो चुका था इस बोर्ड को लेके। तो ये यहाँ पर दो कॉयल है, ठीक है, तो अभी मैं पास से दिखाता हूँ, कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो एक तो मैंने ग्राउंड करके, यहाँ पर दो, ये 5 वोल्ट का कॉयल है, ये 3 वोल्ट का कॉयल है, ठीक है। तो यहाँ पर मिसिंग हो रहा था, ये 3 वोल्ट का कॉयल में कोई सप्लाई नहीं है, जिसके वजह से ये इसका PCH प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, और ये VRM सेक्शन एक्टिवेट नहीं हो रहा था, जिसके वजह से ये बोर्ड में डिस्प्ले नहीं था। अभी देखो यहाँ पर फॉलो करो थोड़ा सा मल्टीमीटर, ये देखो 5 वोल्ट अवेलेबल है इस कॉयल पे, और इस कॉयल पे देखो 0, कोई भी वोल्टेज नहीं है इस कॉयल पे, ठीक है। और इस कॉयल पे हम देखें तो ये 5 वोल्ट हमारा, सॉरी ये 5 वोल्ट हमारा रेडी है, तो यही कॉयल पे वोल्टेज नहीं था, मतलब बन नहीं रहा था, अभी भी इंस्टेंट बन नहीं रहा है कांस्टेंट, ठीक है। तो मैंने ये कॉयल के चक्कर में सारा बोर्ड देखा, कहाँ पर मुझे ये मतलब मिलेगा, देखते देखते मुझे यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर मिला है मुझे, मैं दिखाता हूँ, ये है वो ट्रांजिस्टर, ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रांजिस्टर मैं पास से दिखा दूँगा और भी क्लोजली, डोंट वरी। तो मैं इसको अच्छे से ग्राउंड कर देता हूँ एक प्रॉप को, और ये देखो ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का यहाँ पर 5 वोल्ट मुझे मिल रहा है इमीटर पे, और कलेक्टर और बेस पे कोई भी वोल्ट, बेस पे कितना वोल्टेज है 5 वोल्ट है, और कलेक्टर पे वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो ये वोल्टेज मुझे इमीटर से कलेक्टर तक सेंड करना है, अगर सेंड कर दिया ये वोल्टेज, अगर मैंने यहाँ से दे दिया ये वोल्टेज को, मैंने अगर यहाँ तक पहुँचा दिया, तो हमारा इस कॉयल में अभी देखो 0 वोल्ट है, और इस कॉयल में कितना वोल्टेज है 5 वोल्ट है, तो इस कॉयल में 3 वोल्ट आ जाएगा, 3 point something volt या फिर 2.45 volt तक आ जाएगा। ये यही एक कंपोनेंट है इस बोर्ड में ख़राब मिला है मुझे, जिसके वजह से इतना टाइम लगा ये ढूंढने में। तो हमने अगर यहाँ पर एक बाईपास किया तो भी हो जाएगा, और अगर हमने इसको चेंज कर दिया तो भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितना वोल्टेज अभी अवेलेबल है, 0.006, और यहाँ पर 5 वोल्ट का कॉयल में 5 वोल्ट अवेलेबल है। तो यही बस एक छोटा सा प्रॉब्लम था, और करीब 3 डेज लग गया इसे फाइंड आउट होने में। तो अभी मैं दिखाता हूँ, देखो इसको एक बार ऑफ करता हूँ और दूर लाता हूँ थोड़ा सा, ये फ़ोन को घुमा दिया, अभी काट पे भी फ़ोन है, और मल्टीमीटर का प्रोब मैं हटा देता हूँ। तो अभी क्या है, पावर दिया, अभी इसमें एक फ़ैन डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मैं दिखाऊंगा इसका सीपीयू हीट होगा। तो इसका सीपीयू फ़ैन किधर है, सिस्टम फ़ैन, सीपीयू फ़ैन, सीपीयू फ़ैन कहाँ रखा है भाई, ये भी सिस्टम फ़ैन, अच्छा यहाँ पर है सीपीयू फ़ैन, ये
ये मिल गया हमें सीपीयू फैन, तो लगा रहा हूँ। विदाउट रैम पे हम देखते हैं, रैम का इशू नहीं है, रैम बाद में डालेंगे। तो ये हमने पावर दे दिया बोर्ड में, अभी डिवा कट को आप फॉलो करो और डोंट वरी, जो जिसको दिख नहीं रहा है डोंट वरी, आप पेशेंस रखो, तो मैं पास से दिखाऊंगा और बाईपास भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। पावर दे दिया, तो अभी देखो ये जो बोर्ड है इसमें कोड जेनरेट चालू हो जाएगा। ये मैंने लगाया, एक सेकेंड, मल्टीमीटर को भी दिखाना है। तो एक प्रॉप को मैं ग्राउंड कर देता हूँ, ब्लैक प्रॉप को, DC20 पे हमारा अभी सेट है। DC20 नहीं, ये बार बार DC20 हो रहा है, तो इसमें DC20 था, इसमें DC ऑलवेज है। तो देखो, किसी ने, एक छोटा सा एक बात बोल दूँ, किसी ने कहा था कि आपके पास फ्लूक होते हुए भी आप ये मतलब यूनिट का घटिया मीटर से आप काम क्यों करते हो। तो देखो भाई, यूनिट का मीटर, जो भी ये वीडियो देख रहे हो, एक बात बता देता हूँ, मतलब हमारा इंडिया में जितने सारा मल्टीमीटर आता है, सबसे बेस्ट अगर किसी कंपनी का मल्टीमीटर हो तो वो यूनिट का ही है। यूनिट का जो मल्टीमीटर है, इसके ऊपर कोई भी मल्टीमीटर नहीं है। कम रेंज में जाओ या फिर हाई रेंज में जाओ, और बहुत ज़्यादा हाई रेंज में जाओगे तो फ्लूक बेस्ट है। इस फ्लूक से भी बेहतर मल्टीमीटर है मार्केट में, पर इसका जो प्राइस है, इसमें करीब, ये जो यूनिट का मीटर है, ये लगभग 5-6 पीस आ जाएगा एक मीटर के प्राइस में, ठीक है। तो फिर भी मैं फ्लूक का मल्टीमीटर ओनली फॉर लैपटॉप पर्पसेस के लिए यूज़ करता हूँ, डेस्कटॉप के लिए बस यही यूज़ करता हूँ, और एक मल्टीमीटर है वो भी यूज़ करता हूँ। तो अभी देखो क्या, कहाँ पर थे हम, डिबग कार्ट पे थे और मल्टीमीटर पे थे। तो अभी देखो, फिर से एक बार मैं टिगर देता हूँ बोर्ड को, आप फॉलो करो। फिर से एक बार टिगर देता हूँ, थोड़ा सा दूर लेता हूँ, बस कार्ट देख रहा है, यहाँ पर फॉलो करो। फिर से एक बार टिगर दिया, ये देखो कोई भी कोड नहीं है, रिसेट भी नहीं है, यहाँ पर रिसेट मिसिंग है, नीचे भी रिसेट मिसिंग है। अभी फिर से एक बार मैं इसे ऑफ करता हूँ, फैन चल रहा है, फिर से एक बार ऑफ कर दिया। फिर से मैं एक बार पावर दूंगा इसको, फिर से पावर, सॉरी, इसको ऑफ होने देते हैं थोड़ा सा। ये मल्टीमीटर थोड़ा सा शेडो आ रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ऐसे ही देखो पता चल जाएगा। इसको ऑफ होने देते हैं, ये LED गया। अब फिर से पावर दिया, अभी देखो एक पिन मेरा ऑलरेडी ग्राउंडेड है मल्टीमीटर का, और यहाँ पर मैंने दोनों पिन को शॉर्ट किया। अभी मैं पावर दे रहा हूँ और टिगर दे रहा हूँ, आप डिबग कार्ट को फॉलो करो। ये देखो बोर्ड में हमारा कोड जेनरेट हो गया, बोर्ड में डिस्प्ले भी आ जाएगा रैम डालूंगा तो। ये देखो बोर्ड में कोड डिस्प्ले जेनरेट होगा, और यहाँ पर वोल्टेज देखो, ये देखो 2.5 वोल्ट आ चुका है इस कॉइल पे, ठीक है। 2.5 वोल्ट मल्टीमीटर पे मुझे दिख रहा है, और यहाँ पर कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट है, यहाँ पर 5 वोल्ट है। और इसे मैं हटा दूंगा तो देखो, यहाँ पर जो अभी भी ये वोल्टेज कांस्टेंट है, पर इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ऑफ कर देता हूँ फिर से एक बार, फिर से एक बार ऑफ कर दिया, यहाँ पर पावर जाने देंगे, पावर जाने दिया। फिर से हम टिगर देंगे बोर्ड को, देखो 00 कोड, और इस कॉइल पे देखो कोई भी वोल्टेज नहीं है, 0.0034। और इसको मैं फिर से एक बार ऑफ करूँगा, फिर से एक बार ऑफ करूँगा, लाइट को जाने तक वेट करेंगे हम। लाइट चला गया, फिर से पावर डालेंगे, और इसी कंपोनेंट को पास से दिखाऊंगा भाई, पेशेंट रखो। इसी कंपोनेंट को, ट्रांजिस्टर को मैंने बाईपास किया और पावर दिया, बोर्ड में हमारा कोड जेनरेट हो गया, एक बार ऑफ हुआ है, डोंट वरी। अब मल्टीमीटर पे फॉलो करो, यहाँ पर 2.5 वोल्ट जेनरेट हो गया। तो अभी रैम डालेंगे, रैम का एरर आएगा, रैम डालेंगे तो बोर्ड में डिस्प्ले आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पास से दिखा दूँ, बाद में मैं बाईपास कर लेता हूँ और कंपोनेंट देखता हूँ, यानी ये कंपोनेंट मुझे नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो लगाऊंगा, नहीं तो बाईपास कर दूंगा। अभी पास से देख लो थोड़ा सा बोर्ड में, क्योंकि पास से नहीं देखोगे तो बहुत सारा लोगों को समझ में नहीं आएगा, और वो बहुत सारा कमेंट कर डालेगा वीडियो के ऊपर। तो स्टैंड को डाउन करते हैं, थोड़ा सा मोबाइल को सीधा करते हैं, और भी नीचे लाते हैं। माइक्रो कैमरा है, अभी टेंशन नहीं है, फ़ोन चेंज किया मैंने। तो अभी देखो ये जो दो कॉइल है, इसमें 5 वोल्ट आता है और इसमें 2.5 वोल्ट आता है, 2.5 वोल्ट करीब आता है, ठीक है। ये 2.5 वोल्ट आएगा तो PCH हमारा एक्टिव होगा, ठीक है। तो इसके वोल्टेज मिसिंग होने के वजह से हमारा PCH काम नहीं कर रहा था, जिसके वजह से हमारा
वीएरएम सेक्शन कोर आईसी का एनाबेली बन नहीं रहा था, सीपीयू वीटीटी भी बन नहीं रहा था, कोर भी जनरेट नहीं हो रहा था, सिर्फ ये पीसीएच की वजह से ही हो रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो इसका मॉडल नंबर क्या है, ये ट्रांजिस्टर है, मॉस्फेट नहीं है। एक सेकेंड होल्ड डाउन, TCM82 ट्रांजिस्टर है, पीएनपी या एनपीएन हो सकता है, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर है ये। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसको आपको क्या करना है, ये फर्स्ट वाला, उसके बाद में जो आपको दिख रहा है सेकेंड वाला ट्रांजिस्टर, अगर ऐसा केस इस बोर्ड में आए तो, अगर आपके पास यूनिवर्सल डिबग कार्ड है और नहीं है तो सीपीयू हीट नहीं हो रहा है, बोर्ड चल रहा है, तो आपको बस यहाँ पर एक बार चेक करना है कि हमारा ये कंपोनेंट सही है कि नहीं। वोल्टेज लेवल तो मैंने दिखा दिया कहाँ पर बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक एक बाईपास करना है, यहाँ से यहाँ तक एक बाईपास करना है। ये दोनों अगर आप यहाँ से यहाँ तक एक बाईपास करोगे तो इस कॉइल में हमारा 2.5 वोल्ट जनरेट हो जाएगा। इस कॉइल पे जब 2.5 वोल्ट जनरेट होगा तो पीसीएच काम करेगा। पीसीएच मींस प्लेटफॉर्म कंट्रोलिंग हाब, प्लेटफॉर्म कंट्रोलिंग हाब जब काम करेगा तो हमारा वीएरएम सेक्शन भी काम करेगा, कोर आईसी पीडब्ल्यूएम आईसी भी काम करेगा, सारा प्रॉपर काम करेगा। तो सारा फंडा इस बोर्ड में यहाँ पर था और इतना सा ढूंढने में मुझे करीब 3 डे लगा है। अभी 3 डे लगा है तो मतलब इसका चार्ज मैं 5000 तो नहीं कर सकता ना, जो मेरा चार्ज है वही मुझे करना है। तो देखो मैंने पिछले दिन बताया था, एक सेकंड में भी कुछ कुछ बोर्ड है 2-3 सेकंड में रेडी हो जाता है, कुछ कुछ बोर्ड में 2-3 दिन भी टाइम देना पड़ता है, पर सर्विस चार्ज जो है वही फिक्स रहना चाहिए। तो इसका क्या सर्विस चार्ज है अभी मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, जो भी है फिक्स है। तो ये छोटा सा बस एक बाईपास करना है, इतना सा ही मेरा काम है अभी इस बोर्ड में, तो इसके लिए मेरा जो सर्विस चार्ज है वही मैं मतलब लूँगा। पर इसके लिए मुझे 3 दिन टाइम वेस्ट हुआ, करीब 1 घंटा करके दिया मैंने 3 दिन बोर्ड के ऊपर। 3 दिन बाद ये बोर्ड आज फाइनली सक्सेसफुल हुआ और डायरेक्टली रॉ फुटेज ही मैं ऑलवेज डालता हूँ और आज भी दे रहा हूँ, तो रॉ फुटेज डाल दिया। अगर कभी भी आप प्रॉब्लम में पड़ो ऐसी टाइप के दिखे तो ये कंपोनेंट को एक बार चेक कर लो, पास से दिखा दिया, बाकी और कुछ नहीं कहना है फिलहाल। तो इससे ही बोर्ड का काम चल जाएगा, बोर्ड रेडी हो जाएगा, तो जिसका बोर्ड है वो तो वीडियो देखेगा, कल तक पब्लिश हो जाएगा वीडियो, वो खुश हो जाएगा, तुरंत कॉल करेगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी में, लव यू ऑल, जय हिंद।